हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाऊंगी बादाम तिल मूंगफली के लड्डू। ये विंटर सीजन की स्पेशल स्वीट है। ये बहुत हेल्दी होते हैं। इनको हम कम शुगर डालकर लाइट स्वीट भी बना सकते हैं। इनको घर पर बनाना आसान भी होता है, तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे 1 वोल तिल। इनको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल जब भूनने लगेंगे तो फूल जाएंगे और चटकने भी लगेंगे, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारे तिल भुन गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और तिल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम 1 वोल रोस्टेड मूंगफली के दाने लेंगे। इनको हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दाने हमारे पीस गए हैं, हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 1 वोल आलमंड्स। इनको भी हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे और पीसने के बाद एक बोल में निकाल लेंगे। तिल हमारे ठंडे हो गए हैं, हम इनमें से 2 स्पून तिल निकाल लेंगे और सारे तिल को दरदरा पीस लेंगे। पिसे हुए तिल को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हम एक पैन में 1/2 वोल देसी घी डालकर गर्म करेंगे। इसमें हम आलमंड पाउडर डालेंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। आलमंड्स पाउडर बहुत जल्दी भुन जाता है। देखिए हमारा पाउडर भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी स्मेल आ रही है। हम इसमें मूंगफली का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें तिल का पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सारे मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, हम इसमें 1 वोल पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 स्पून हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर लड्डू बनाएंगे। लड्डू पर हम थोड़े से रोस्टेड तिल लगा लेंगे। इससे लड्डू का टेस्ट और अच्छा हो जाता है और देखने में भी अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। लीजिए तैयार है बादाम तिल मूंगफली के स्वादिष्ट लड्डू। है ना कितना आसान इनको बनाना। तो आप भी इनको बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए।